हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 10 कैपेसिटी। सो लेट्स स्टार्ट। इट वॉज रीनास बर्थडे। आज क्या है, रीना का बर्थडे है। सो हर मदर बॉट 5 लीटर एंड 500 मिलीलीटर मिल्क फॉर प्रिपेयरिंग डेजर्ट। तो उनकी मदर क्या करती हैं, 5 लीटर एंड 500 मिलीलीटर मिल्क लेती हैं डेजर्ट को बनाने के लिए। शी यूज़ 2 लीटर एंड 750 मिलीलीटर मिल्क टू मेक पुडिंग। तो 2 लीटर और 750 जो मिलीलीटर मिल्क है उनकी मदर यूज़ कर लेती हैं पुडिंग को बनाने के लिए। सो रीना वॉन्टेड टू डिस्ट्रीब्यूट सम स्वीट्स टू द इनमेट्स ऑफ एन ऑल्ड एज होम। तो जो रीना है वो चाहती है कि कुछ स्वीट्स वो कहाँ करे, इनमेट्स यानी कि स्वीट टू द इनमेट्स ऑफ एन ओल्ड एज होम, यानी ओल्ड एज होम में वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती थी। सो हर मदर प्रिपेयर स्वीट्स विद द रिमेनिंग मिल्क। जो रिमेनिंग मिल्क था उनकी मदर उनसे क्या करती हैं, स्वीट बनाती हैं। एंड रीना डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट एंड सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे हैप्पीली। तो जो रीना क्या करती हैं, उन स्वीट को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और अपना हैप्पीली बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसी पे बेस्ड हो जाएगा। हाउ मच मिल्क वॉज यूज टू मेक स्वीट्स, यानी कितना मिल्क यूज़ किया गया स्वीट्स को बनाने के लिए। देखिए टोटल मिल्क कितना था, 5 लीटर एंड 500 मिली लीटर, जिसमें से पुडिंग बनाने के लिए यूज़ कितना के लिया, 2 लीटर एंड 750 मिली लीटर। तो क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी में से जो पुडिंग हमने जो बनाया है मिल्क से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो रिमेनिंग मिल्क आएगा वो कौन सा आ जाएगा जिससे हमने स्वीट्स बनाई हैं। सो स्टार्ट करते हैं राइटिंग करना। सो टोटल मिल्क बोर्ड, कितना मिल्क खरीदा था उनकी मदर ने, टोटल मिल्क बोर्ड कितना लिया उन्होंने, यहाँ पे हम राइट डाउन करते हैं लीटर और मिलीलीटर। तो टोटल किया था उन्होंने 5 लीटर एंड 500 मिलीलीटर, और यूज्ड इन पुडिंग यानी पुडिंग बनाने के लिए कितना यूज़ कर लिया उन्होंने, यूज्ड इन पुडिंग यानी कि जो पुडिंग बना रहे थे उसके लिए कितना मिल्क यूज़ किया उन्होंने, 2 लीटर एंड 750 मिलीलीटर। तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे इनकी, तो जो रिमेनिंग आएगा यूज्ड इन स्वीट यानी कि जो हमने कहाँ यूज़ किया, स्वीट्स को बनाने के लिए। क्लियर, आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, 0 माइनस 0 इज़ 0, 0 माइनस 5 इज़ नॉट पॉसिबल, सो यू हैड टू बोरो। नाउ दिस बिकम 4 एंड दिस बिकम 10, 10 माइनस 5 इज़ 5, 4 माइनस 7 इज़ अगेन नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से बोरो करना होगा, 4 एंड दिस बिकम नाउ 14, 14 माइनस 7 इज़ 7 एंड 4 माइनस 2 इज़ 2। सो 2 लीटर एंड 750 मिलीलीटर मिल्क इज़ यूज टू मेक स्वीट्स। क्लियर, अब आ जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आप कैसे टाइम स्पेंड करते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखिए जब भी हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात करते हैं उनके साथ हम अपने सुख दुख बांट सकते हैं। क्लियर, या हम कह सकते हैं कि हमारे जो हम गेम्स खेलते हैं घर पे, इंडोर गेम्स होती हैं वो खेल सकते हैं, अगर वो वॉक पर जा रहे हैं तो हम उनके साथ वॉक पर जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ों से क्या कर सकते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो पहले तो मैं यही लिख देती हूँ फर्स्ट स्टेप में कि प्लेइंग गेम्स, यानी घर पे हम जो गेम्स खेलते हैं ना, इंडोर गेम्स की बात हो रही है, इंडोर गेम्स लाइक कौन कौन सी हो जाएंगी, जैसे लूडो, क्लियर, कैरम, कैरम बोर्ड हो जाएगा, एक्सेट्रा, जो भी आजकल तो बहुत सी गेम्स हैं, तो इस तरीके की इंडोर गेम्स खेल के हम उनके टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट, हम गोइंग टू वॉक विद देम, यानी कि अगर वो वॉक पे जा रहे हैं तो हम उनके साथ वॉक पर जा सकते हैं, गोइंग टू वॉक विद देम। क्लियर, तो इन दो तरीकों से ये दो मैंने लिख दिए हैं, बाकी आप बहुत सारे मेथड्स लिख सकते हैं यहाँ पे जिससे हम इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट वे डू यू कीप योर पेरेंट्स हैप्पी, यानी और कितने तरीकों से आप अपने पेरेंट्स को हैप्पी रख सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए सिंपल सी बात है, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैप्पी कब होते हैं, जब हम अपना टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब जैसे हमने लास्ट में कहा कि हम उनके साथ गेम खेल रहे हैं तभी वो खुश होते हैं, अगर हम अपने कुछ जो थॉट्स हैं उनसे शेयर कर रहे हैं तभी वो खुश होते हैं। तो इसके लिए हम पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट्स नंबर 1 तो यही हो जाएगा, बाय स्पेंडिंग टाइम विद देम, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुश वो आई थिंक इसी से ही होते हैं, स्पेंडिंग टाइम विद देम, उनके साथ जितना हम टाइम बिताते हैं ना उतने ही ज़्यादा वो खुश रहते हैं। नंबर 2 में हम बात कर लेते हैं शेयरिंग आवर थॉट्स, जब हमारे आइडियाज़ हैं हमारे थॉट्स हैं, शेयरिंग आवर थॉट, हमारे अगर जो भी हम सोच रहे हैं हमारी लाइफ में जो चल रहा है अगर हम उससे शेयर करते हैं, थॉट्स एंड देयर, अगर हम उनका ओपिनियन लेते हैं तो वो भी इन्हें अच्छा लगता है, शेयरिंग आवर थॉट्स एंड देयर थॉट्स एंड मैनी मोर वे, यानी और भी बहुत तरीक़ों से।
ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को हैप्पी कर सकते हैं। सो आई होप आपको सभी सारे क्वेश्चन जो इसके तीनों के तीनों क्वेश्चन से समझ में आए होंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।